बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे जी। तो यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है और आज मैंने चाय और अंडा खाया सुबह उठ के। ये मैंने आज कुछ चीज़ें मार्केट से मंगवाई हैं, तो मैंने सोचा कि इनको जल्दी जल्दी सेट करके अपनी अपनी जगह पर रख लिया जाए। ये मिठू के सलांटे मंगवाए थे, कुछ लेज मंगवाए थे। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें घर में पड़ी हों तो अगर अचानक से गेस्ट आ जाएं तो बड़ी आसानी हो जाती है ये। तो चीज़ें सेट करने के बाद मैं आ गई अपने रूम में और यहाँ पे मैंने जो है वो बेडशीट चेंज की। जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो अपना बेड सेट किया। इंशाल्लाह आपको मैं अपना रूम टूर भी दूंगी जी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से डस्टिंग करने लग गई क्योंकि आज मैंने जो है वो बड़े काम करने हैं, तो मैंने सोचा कि पहले रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रख लूँ, फिर बाकी काम करूँगी इंशाल्लाह। डस्टिंग करना एक बड़ा मुश्किल काम है। अगर डीपली डस्टिंग की जाए चीज़ों की तो तकरीबन जो है वो आपका घंटा, एक घंटा तो लग ही जाता है। खैर, ये मैं डस्टिंग कर रही हूँ आज अपने रूम की। ये मेरा फेस सीरम है, डस्टिंग करने के बाद जो है वो मैं आ गई थी अपने दूसरे रूम में और मैंने जो विंटर्स के कपड़े हैं वो आज सोचा कि निकाल लूं, तो वो मैं निकाल रही हूँ। ये बड़ा सर्दियाँ जब आती हैं तो सर्दियों के कपड़े निकालना फिर उनको वॉश करना ये बड़ा काम है। मैंने सोचा कि आज ये काम कर लिया जाए। ये देखें, सारी जो हैं वो मैंने सूटकेस निकलवाए और फिर मैंने सारे कपड़े निकाले, गर्मियों के जो जितने भी कपड़े हैं उनको जो मैंने पैक किया, और जो सर्दियों वाले कपड़े हैं उनको मैंने वॉश करवाना है तो मैंने वो सारे आज निकाल लिए हैं। यहाँ पे आज जो हैं वो मैं अपने जो विंटर्स के कपड़े हैं वो सेट करके रखूँगी इंशाल्लाह। ये वाले सारे कपड़े जो हैं वो मेरे वॉश करवाने वाले हैं, ये मैंने सारे बेड रख निकाल के रख दिए हैं। और उसके बाद जो है वो मैंने आज माइक्रोनीज और मैं यहाँ पे बैठ के खाने लगी हूँ। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।